ऐसा है, राहुल एक फ्रस्ट्रेटेड लीडरशिप है। लोकसभा के चुनाव में वह बुरी तरह से पराजित हुए, उस पराजय का भूत उनको खाने के लिए दौड़ता है। दूसरा, उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार इंशाअल्लाह इस देशद्रोह का समर्थन किया, इसलिए वो देशद्रोह के भूत से भी डर कर और अनाप शनाप बोलते हैं। तीसरा, उन्होंने भगवा हिंदू राष्ट्रीयता और मानवता का असभ्य और अपशब्दों के साथ लड़ाई लड़ी है और उसके कारण वह अनडेमोक्रेटिक, अनसिविलाइज्ड, अनसेकुलर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर के कारण परेशान है। और जैसे रावण को हमेशा राम का भूत सताता था, हमारे राहुल को आरएसएस का यानी राष्ट्रीयता मानवता का भूत, लोकतंत्र का और सेकुलरिज्म का भूत पराजय के रूप में सता रहा है और इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर वह असभ्य और अपशब्द बोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया है कांग्रेस राष्ट्रीयता और मानवता से नहीं लड़ सकती और वह उसके पराजित वो हैं और वो अपनी जिम्मेवारियों से भागकर जो रोल प्ले कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि वह स्वयं के दुर्भाग्य और कांग्रेस का दुर्भाग्य बनकर खड़े हैं और पूरी विपक्षी दलों ने भी उनको और उनकी पार्टी को नकार दिया है। बात करें इन 5 साल जो है वह मॉब लिंचिंग, मॉब मास्करिंग, मॉब डिस्प्लेसमेंट और मॉब फियरिंग का अड्डा बना हुआ है और इसलिए अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। परंतु वहाँ बीजेपी यानी राष्ट्रीय और मानवता का बलिदान एक बड़े परिवर्तन का आगाज कर रहा है। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुचलने वालों को बंगाल और दुर्भाग्यपूर्ण हालात में खड़ा कर दिया है और बंगाल की जनता टीएमसी ममता बनर्जी को माफ़ ना करने की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।